स्टार्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या का अंक इसमें दो अंक और तीन अंक और चार अंक की संख्या का पहचान करेंगे। जैसे दो अंक में 26 और 29 यहाँ दो है यहाँ दो है फिर यहाँ कितना 6 और इधर 9 तो बड़ी संख्या कौन हो गया पहला संख्या बराबर तो दूसरी संख्या 6 और 9 में ज़्यादा कोई है ना 9 ज़्यादा तो इसको कैसे भरा जाए फिर उसके बाद मान लीजिए 84 84 है तो दूसरा साइड में है आपका 81 पहला अंक इधर 8 इधर भी 8 और दूसरा अंक देखते हैं इधर 4 है और इधर 1 है तो इसमें कौन ज़्यादा है 1 या 4 तो उसमें हम लोग आसानी से पता लगा लेंगे 4 ज़्यादा है तीन संख्या तीन तीस है इसका अर्थ है कि 84 ज़्यादा है 81 से। अब ये तो दो अंक हुआ अब तीन अंक की संख्या देखते हैं 3 2 4 इधर 4 3 2 अब यहाँ भी 1 2 3 अंक है दाहिने साइड में भी 1 2 3 है तो 3 3 दोनों बराबर हो गया इसका अर्थ आप देखेंगे कि इसमें पहला अंक कितना है 3 और इसमें 4 तो ज़्यादा कम हो गया 3 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि 4 ज़्यादा है तो इसको ऐसे 3 से भर देते हैं इसका अर्थ हो गया 324 से 432 अधिक है फिर इसी प्रकार 3 2 1 दाहिने साइड में 3 3 1 तो अब देखिए इधर भी 1 2 3 अंक और 1 2 3 अंक दोनों साइड में 3 3 तो पहला अंक यहाँ 3 यहाँ भी 3 ये बराबर हो गया और दूसरा साइड में इधर कितना है 2 और इधर 3 तो 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है पता चल रहा है कि 3 ज़्यादा है तो इसका 3 इस प्रकार से भरा जाएगा इसका अर्थ ये हुआ कि 321 से 337 अधिक है तो इस प्रकार वैसे ही और 4 अंक वाला संख्या देखते हैं 4 6 2 8 इसको तुरंत पता करना है 4 6 3 8 अब इसमें ज़्यादा कौन पहला हमसे पहले पहला काम करना है हम लोग को किस संख्या को गिनती करना है कौन सा में ज़्यादा है तो इधर 1 2 3 4 है दाहिने साइड में भी 1 2 3 4 यानी बराबर हो गया तो बराबर जब हुआ तो इसमें पहला अंक कितना है ये पहला अंक 4 है इधर भी 4 है तो दोनों बराबर हो गया फिर इसके बाद वाला संख्या देते हैं यहाँ कितना 6 यहाँ भी 6 ये भी बराबर हो गया फिर उसके बाद देखते हैं कितना है 2 है और इधर 3 तो 2 और 3 में ज़्यादा कौन है ना 3 ज़्यादा है तो इसको ऐसे 3 से भर देते हैं इसका हो गया 4628 से 4638 अधिक है फिर इसी प्रकार बहुत सारा आएगा 8 6 2 5 फिर 8 6 2 3 पहले संख्या को गिनती करना है
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार बराबर हो गया। तो बराबर होने की स्थिति पर पहला संख्या यहां कितना आठ और यहां भी आठ, ये बराबर हुआ। दूसरा संख्या देते हैं कितना छह, इधर भी छह, ये भी बराबर हुआ। उसके बाद दो, यहां भी दो, ये भी बराबर हो गया। अब अंतिम में देते हैं पांच है और यहां तीन। तो पांच और तीन में तुलना करते हैं, पांच ज्यादा है या तीन ज्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा कि पांच ज्यादा है। इसका अर्थ 8625 से 8625 अधिक है 8623 से। इस प्रकार जितना भी बड़ा संख्या हो पूरा पता हो जाएगा। इसको हम इसे पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पास रहेंगे 8625 8623 इसको भले नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम संख्या का पहचान तुरंत कर लेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। ऐसे सोचा जाए कि हमको पढ़ने नहीं आया, इतना बड़ा संख्या है। अब संख्या बड़ा होने की स्थिति में भी फिर भी हम लोग जो है तुरंत पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब और देखें बड़ी संख्या लिखते हैं 3 2 4 6 7 8 3 ये है। अब फिर कैसे दे दिया, अब कौन बड़ी कौन छोटी इसको पता करना है। अब ये है दोनों संख्या है, अब इतना बड़ा संख्या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसको पता करना है। पहला काम हमने बताया दिया कि संख्या के अंकों को गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7 इधर सात है, दाहिने साइड में 1 2 3 4 5 6 7 दाहिने साइड में 7, यानी 7 और 7 बराबर होगा। अब इसको तुलना करने की पहला संख्या में कितना है 3, यहाँ भी 3, यह उसके बाद 2, यहाँ भी 2, उसके बाद इधर कितना है बाएं साइड में 4, दाहिने साइड में भी 4, बाएं साइड में 6, दाहिने साइड में भी 6, फिर यहाँ 7, फिर 7 ये बराबर हो गया। फिर बाया साइड में 8 है, दाहिने साइड में 5। तो ये दोनों में आप पता करेंगे 8 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है इसका मतलब ये बड़ा है, ये आसान से पहचान हो जाएगा। अब संख्या कितना है कितना है इसको पता नहीं चला, फिर भी जो है हम संख्या बड़ा छोटा पहचान कर लेंगे। अब ये पहचान हो जाने के बाद हम लोग संख्या का अवरोहीकरण अवरोहीकरण आरोहीकरण मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम में इसमें सबसे बड़ी संख्या को पाया है चुनना होगा। तो सभी में देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 3 3 कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है। पहला हम देखते हैं यहाँ 2 3 3 2 यानी 3 3 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया, दोनों को छोड़ देते हैं, इसको बाद में तुलना करेंगे, ये दोनों को छोड़ देते हैं। अब 3 2 5 यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 है 3 है ये बराबर होगा, 2 है 2 है बराबर हो तो अब यहाँ 5 है यहाँ 6 है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हो गया ये वाला है सबसे बड़ी। तो गोल वाला ठोल लीजिए, गोल वाला
हाँ गोल वाला वाला नहीं, नीचे कट से ऊपर, हाँ नहीं पकड़ में आया, दूसरा पेन लीजिए, दूसरा कलम लीजिए, वहाँ से खुली टेबल से दूसरा कलम लीजिए, नहीं 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 इंक ठोई दूसरा लीजिए, खुली है उसको, हाँ छोड़ दीजिए, रहने दीजिए रहने दीजिए, बता दीजिए रुको रुको, नहीं यह हुआ है, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है, सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है, सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है, तो बोलते रहिए अभी कुछ भी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो ये हम लोग का हुआ 326, सबसे बड़ा से छोटा है 325, ये दोनों बड़ी संख्या हो गया। अब इस दोनों में तुलना करते हैं, दो है यहाँ, दो है यहाँ, एक यहाँ भी एक, फिर यहाँ कितना है चार और यहाँ सात, तो सात बड़ा है या चार बड़ा है, तो सात बड़ा है, तो इसका अर्थ हो गया तीन सौ है दो सौ दो छोटी है, तो इसको लिख लेंगे अभी ले लीजिए, अभी पकड़िए तो अच्छा ठीक है।